बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबर के साथ करते हैं, जहां पर व्यापम घोटाले का प्रमुख आरोपी रमेश शिवहरे बीती रात कानपुर में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी करके ये गिरफ्तारी की है। शिवहरे पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो कानपुर के आवास विकास कॉलोनी से देर रात रमेश शिवहरे को गिरफ्तार किया गया है। आज अदालत में पेश करने के बाद सीबीआई उसे भोपाल ले जाएगी। माना यह जा रहा है कि शिवहरे की गिरफ्तारी से व्यापम घोटाले के कुछ और आरोपी बेनकाब हो सकते हैं। तो रमेश शिवहरे को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ये भी पता लगा रही है कि कहीं उसने व्यापम के अलावा दूसरी परीक्षाओं के लिए भी तो सॉल्वर गिरोह नहीं बना रखा है। तो वहीं एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि कुछ समय पहले रेलवे भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था, उसमें भी रमेश शिवहरे के कनेक्शन की जांच की जा रही है। तो शिवहरे को गिरफ्तार करने के अलावा सीबीआई ने कानपुर की कोचिंग मंडी कहलाने वाले काकादेव इलाके से 3 बड़ी कोचिंग संस्थाओं के 5 साल का रिकॉर्ड भी जब्त किया है। तो एक बड़ी कामयाबी से माना जा रहा है, लेकिन अब किस तरह का और कनेक्शन रहा है व्यापम का, आर्यन अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारियां देने के लिए जुड़ चुके हैं। आर्यन, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है, किस तरह का नेटवर्क कानपुर में रहा है रमेश का? देखिए, कानपुर को कोचिंग मंडी का हब कहा जाता है, पर रमेश यहाँ पर एक कोचिंग चलाता था। उसने जब मंदा पड़ गया था तो सालवर का एक बहुत बड़ा गैंग तैयार किया था और वो मध्य प्रदेश के ऐसे नेटवर्क से जुड़ा जहाँ पर बढ़ती शिक्षा जो होती है उसमें घोटाले की, यहाँ से वो सालवर भेजने लगा और इसी आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस को मुख्य आरोपी बनाया था, क्योंकि जितने भी सालवर से यहाँ पर गए थे वो कानपुर से ज्यादातर बिलोंग करते थे। तो एक बड़ी सफलता मिली है, 2 साल से फरार था, उस पर इनाम रख रखा था और उसको एक कहा जाए तो ढके छुपे शब्दों में यहाँ पे लोग कह रहे अच्छा, हैं। मुझे ये भी बताइए, ये जो 3 कोचिंग संस्थाएं जिनके 5 साल के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, इसके पीछे क्या ये कहे इसका कनेक्शन रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों की भी मिली भगत रही है इसमें? शरद, माफ कीजिएगा, सवाल दोहराइए। आर्यन, ये बताइए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 3 बड़ी कोचिंग संस्थाओं के 5 साल के रिकॉर्ड भी अब खंगाले जा रहे हैं, क्या ये कहें कि इसका भी नेटवर्क रहा है रमेश के साथ? हाँ, देखिए, इस वक्त शक जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भी पहले कई बार जाहिर कर चुकी है कई राज्यों में। पहले एक बार आपको याद होगा उत्तराखंड में बहुत बड़ा जो मेडिकल बोर्ड का घोटाला पकड़ा गया था, यहाँ से सप्लाई किए गए थे। तो कोचिंग मंडी की आड़ में से यहाँ गैंग ऑपरेट कर, इसीलिए एसटीएफ मध्य प्रदेश ने भी कहा है कि और भी जो कई भर्ती घोटाले हुए हैं, चाहे रेलवे पर्चा लीक करने का मामला रहा हो, उसमें कानपुर के जो कोचिंग संचालक है उसके निशाने पर आते हैं, उनके संदेह घेरे में आते हैं। यहाँ पर 3 बड़ी कोचिंग में छापे डाल के वहाँ का रिकॉर्ड जब्त किया गया है और वहाँ से संदिग्ध छात्र है जो लगातार वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको भी पूछताछ के दायरे में लाया जा रहा है। बहरहाल आज उसको कानपुर की कोर्ट में शिवहरे को दिया जाएगा, जिससे बी वारंट हासिल करके मध्य प्रदेश लिया जा सके। सीबीआई का एक अनुमान है कि मुख्य आरोपी पकड़े जाने के बाद कई व्हाइट कॉलर्स के नाम भी सामने आ सकते हैं, किस घोटाले में बैठे हुए कौन लोग इसमें। चलिए आर्यन, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उस तरह से अब ये माना जा रहा है कि कई और अहम कड़ियां भी अब जुड़ सकती हैं इस गिरफ्तारी के साथ। वो कौन लोग हैं जो शायद कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से गेम खेल रहे थे, हो सकता है अब उनके नाम भी सामने आ पाए। तो रमेश शिवहरे दरअसल आपको बताया कि कानपुर में ही कोचिंग चलाता था जहां से ये गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये गिरफ्तारी की गई। तो वहीं 3 कोचिंग संस्थाओं के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, 5 साल के दस्तावेज, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग है सीबीआई के पास, जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा है रमेश का और वो भी कोचिंग चलाता था। तो कहीं ना कहीं अब हर तरह से इस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से इस तरह इसका नेटवर्क रहा, कैसे कैसे ये पूरी गेम प्लान किया गया, कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल, अब कहीं ना कहीं इसकी तहकीकात में सीबीआई पूछताछ चल रही है। उसमें उसने स्वीकार किया कि उसका चल निपटा है, उसे मालूम है कि व्यापम का वांटेड है और इससे और जो जुड़े हुए लोग हैं। एमपी पुलिस का इसका शुरुआत में 5,000 रुपये का रिवार्ड है, तो उसके बाद में टेक ओवर कर लिया था सीबीआई ने और सीबीआई में नाम का कोई ऐसी शायद व्यवस्था नहीं होती, लेकिन सीबीआई का ये 6 केसेस का वांटेड है, उसका एनबीडब्ल्यू है, तो विधिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में इसका कहना है कि एक आदमी से इसका संपर्क हुआ, ये इनफैक्ट पहले यहाँ कोचिंग चलाता था कानपुर में, वो कोचिंग फेल कर गई। अच्छा, तो इस कारण उस कोचिंग के माध्यम से कैंडिडेट से संपर्क हुआ, कैंडिडेट जगह जगह के थे, मध्य प्रदेश के भी थे जो लोग यहाँ पढ़ने आ रहे थे छतरपुर, तमाम जगहों के, उसके माध्यम से इसकी मुलाकात मध्य प्रदेश के लोगों से हो गई। उन लोगों ने ल्योर किया कि अगर यूपी से कुछ कैंडिडेट हों, यूपी से सॉल्वर्स हों, तो यहाँ काम हो सकता है। इस तरह से धीरे धीरे वो प्रगाढ़ता बढ़ती चली।